आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए आज बनाते हैं कलाकंद। तो आज का कलाकंद है बहुत खास, ना तो इसमें हमने किया है मावे का इस्तेमाल, ना ही हमने किया है पनीर का इस्तेमाल, और ना ही कोई मिल्क पाउडर या कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल हम करेंगे। घर में मिलने वाले बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार होगी ये लाजवाब सी कलाकंद, और इसे खाते ही सभी लोग आपकी बहुत तारीफ करने वाले हैं। तो इसे ज़रूर बनाइए और इसे करिए इंजॉय। बहुत टेस्टी बनती है, बिल्कुल बाजार की तरह। नमस्कार, मैं हूँ बबीता और स्वागत है आपका बब्बीज किचन में। तो आज लेकर आई हूँ मैं ये फटाफट से घर के इंग्रेडिएंट से बनने वाली मिठाई। तो इसके लिए हमने दूध को बॉयल किया है आधा होने तक। तो 1.5 लीटर दूध था जिसको मैंने दूध के ही बर्तन में बॉयल होने दिया था। उसके बाद जब ये आधा हो गया तो मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया कढ़ाई में, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसे आप बीच बीच में काम करते करते भी कर सकते हैं। हमें दूध को गाढ़ा करना है। तो दूध हमारा हो चुका है आधा, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें चीनी। तो चीनी यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 150 ग्राम। 1.5 किलो दूध था हमारा, इसलिए चीनी जो है यहाँ पर 150 ग्राम डाली है। और साथ में डालेंगे हम केसर के कुछ धागे। केसर के जो धागे हैं वो इसको बहुत अच्छा कलर देंगे, बहुत अच्छी खुशबू देंगे। तो इसे ज़रूर डालिएगा। आप जो है इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से उबलने देंगे। तो बीच बीच में चलाते रहिए, साइड से जो है थोड़ा थोड़ा स्क्रेप भी कर दीजिए, क्योंकि मलाई जो है साइड साइड में जमना शुरू हो जाती है। तो उसे आप बीच बीच में स्क्रेप कर दीजिए। साथ में अगर आपका कोई छोटा मोटा काम हो जो गैस के पास ही आप खड़े होकर कर रहे हो तो वो भी आप कर सकते हैं। बीच बीच में इसे चलाते रहिए और आप जो है इसे गाढ़ा कर लीजिए। तो ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है ये हमारा मिक्सचर। तो ये जब 1/4 रह जाए तो ये देखिए इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका है और ये इस तरीके से गाढ़ा हो जाएगा। अब ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ा होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना है, बस एक रबड़ी के फॉर्म में करना है। तो जब तक हमारा ये मिक्सचर ठंडा हो रहा है तब तक हम कुछ ड्राई फ्रूट्स काट लेते हैं। और ये देखिए थोड़ा सा ये नॉर्मल टेम्परेचर में हो गया है। तो ये देखिए इतना गाढ़ा हो चुका है ये। अब हम इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र करके इसे रखते हैं फ्रिज में, क्योंकि हम जो कलाकंद बनाएंगे ठंडी ठंडी रबड़ी से बनाने वाले हैं। तो रबड़ी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। चम्मच को इस तरीके से आप जो है इसमें डिप करिए और इसके बैक साइड में जो है आप देखेंगे एक अच्छी सी कोटिंग जो है तैयार हो जाती है। इस तरीके की अगर कोटिंग तैयार हो गई है तो आपकी जो रबड़ी है वो परफेक्टली तैयार है। हमारे ड्राई फ्रूट्स कट चुके हैं, थोड़े से हम इस रबड़ी के मिक्सचर में डाल देंगे और बाकी के हम रखेंगे ऊपर से डेकोरेट करने के लिए। और इस मिक्सचर को हम रखेंगे फ्रिज में। तो आधा से एक घंटा आप इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए और उसके बाद हम बनाएंगे कलाकंद। तो देखिए काफ़ी अच्छा सा ये हमारा मिक्सचर रेडी है और केसर की वजह से इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है, बहुत अच्छी खुशबू। और देखिए ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, इसे हम रखते हैं फ्रिज में। और तब तक हम काट लेते हैं ये ब्रेड के स्लाइसेस। तो ब्रेड की जो हमने वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं उसके साइड के जो एजेस होते हैं वो जो डार्क कलर के होते हैं उसको हम काट दे रहे हैं, और वाइट वाला पार्ट जो है हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो एक घंटा हो चुका है, हमारी रबड़ी हो चुकी है ठंडी, और हम इसे जो है अरेंज करेंगे एक सर्विंग डिश में। तो यहाँ पर ले ली है मैंने एक बड़ी सी स्क्वायर शेप की डिश। आप चाहे तो इसे कोई स्क्वायर प्लेट या किसी जो ट्रे होती हैं उसमें डाल सकते हैं, जिसमें मिठाइयाँ हम लोग बनाते हैं जमाते हैं उस टाइप की कोई ट्रे है उसमें आप अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 स्लाइसेस नीचे ब्रेड की बिछा दी हैं, उसके ऊपर हम इस रबड़ी की अच्छी सी लेयर डाल देंगे, अच्छे से फैला देंगे, और इसको हमें अच्छे से कोट कर देना है, पूरा कवर हो जाएगा। उसके ऊपर हम थोड़े सा जो है नारियल का बुरादा छिड़कने वाले हैं। तो ये डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर है, थोड़ा थोड़ा हम इस पे ऊपर छिड़क देंगे। तो इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, तो मैं इसे डालती हूँ। आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर हमने फिर से एक लेयर जो है ब्रेड की बिछा दी है। तो 4 जो ब्रेड की स्लाइसेस हैं फिर से हमने इसके ऊपर बिछा दी हैं, और एक लेयर फिर से हम रबड़ी की इसमें डालेंगे। तो रबड़ी जो है इसमें हम अच्छे से स्प्रेड करेंगे, ब्रेड जो है अच्छे से सोक कर लेती है और काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट और टेक्सचर आने वाला है। ऊपर से हमने डाला है फिर से डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, और इसके ऊपर हमने स्प्रिंकल कर दिए हैं हमारे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। इसके ऊपर हम डालेंगे एक तीसरी लेयर ब्रेड की। तो ब्रेड जो है हम अच्छे से अरेंज कर देंगे और उसके ऊपर हम फाइनली डाल देंगे हमारी बची हुई रबड़ी। तो ये अच्छे से हमें इसमें फैला देनी है, पूरी जो ब्रेड है वो अच्छे से कवर हो जाएगी। उसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, और उसके ऊपर से हम बादाम
काजू और पिस्ते का जो हमने काट कर कतरन तैयार की थी वो हम इसके ऊपर फैला देंगे और इसके बाद इसे हम रख देंगे फ्रिज में। तो इसे आप ओवरनाइट रख सकते हैं, 4 से 5 घंटे रख सकते हैं। जब भी आपको खाना हो बस इसे निकालिए, कट करिए, सर्व करिए और इन्जॉय करिए, और बाकी का जो है बचा हुआ आप फ्रिज में रख दीजिए। जब सब लोग इकट्ठे होते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं पचता है, तो आप इसे जो है ढेर सारा बनाइए और इन्जॉय करिए। तो हमारी कलाकंद तो हो गई है तैयार, आप भी इसे बनाइए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसी लगी। बहुत ही किफ़ायती है, बहुत ही टेस्टी, तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। और इस तरीके की फटाफट से बनने वाली रेसिपीज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, दोस्तों के साथ करिए शेयर और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए नीचे रेड बटन को क्लिक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।